नमस्कार आप सभी के लिए। यह आज का एडिटोरियल है जो कि किस चीज़ पर बेस्ड है, तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान दोगे तो आपको मालूम होगा कि ये आरसीई पर इंडिया के द्वारा लिए गए निर्णय का विरोध करने के रिगार्डिंग है। तो यही इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रही हैं। और अगर बात करें ये किस चीज़ पर बेस्ड है, तो ये 16 नवंबर को जो स्पीच दी गई थी हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद के द्वारा, उस चीज़ को और मतलब उस चीज़ का एक एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है कि उन्होंने क्या कहा, वो कितना सही था या कितना गलत था। अगर आप एडिटोरियल की सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो तो आप पहले भी इस चीज़ से परिचित रहे होंगे, क्योंकि मैंने पहले भी एक एडिटोरियल को इस चीज़ में कवर किया है आरसीईपी के रिगार्डिंग। वो भी इसी टाइप का कुछ ऐसा था, आरसीईपी से क्या फ़ायदे क्या नुकसान इंडिया के लिए हुए या होंगे, इन सब चीज़ों का डिस्कशन था। तो चलिए बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप टाइटल पढ़ पा रहे हैं, नो मिनिस्टर द ट्रेड एग्रीमेंट पिच इज़ फ्लॉड। तो जो ट्रेड एग्रीमेंट की जो आपने पिच निर्धारित की है या जो ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में जो आपने कहा है वो आपने गलत कहा है, नो मिनिस्टर, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टली पॉइंट आउट किया है जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर प्रसाद को, और उनकी स्पीच को जो उन्होंने दी, कब दी, ये दिया उन्होंने 16 नवंबर को। और आपको ये मालूम होगा कि 15 नवंबर को 15 देशों ने आरसीईपी को क्या कर लिया था, ज्वाइन कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। इंडियाज एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर हैज प्रेजेंटेड एन इल कंसिडर्ड टेक ऑन इंडियाज ट्रेड रिकॉर्ड इन अ कीनोट स्पीच डिलीवर्ड एट अ डायलॉग ऑन नवंबर 16। तो यहाँ पर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर प्रसाद, उन्होंने अपनी जो इल कंसीडर मतलब बुरे भाव से जो इंडिया के ट्रेड रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट किया अपनी जो की नोट स्पीच में जो उन्होंने डिलीवर की थी डायलॉग में, और कब की थी, नवंबर 16 को। तो उन्होंने एक बुरे ढंग से इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट या जो ट्रेड है वो किस हिसाब से परफॉर्मेंस बुरा कर रहा है, और उन्होंने ज़्यादातर किस चीज़ को दोष दिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को। द मिनिस्टर बिलीव दैट इकोनॉमिक ग्रोथ दैट हैज़ अक्रूड फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। तो मिनिस्टर को विश्वास है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो बढ़ी, क्यों बढ़ी, ग्लोबलाइजेशन के कारण बढ़ी, इज़ नॉट गुड एनफ, ये गुड एनफ नहीं थी आउटकम फॉर इंडिया, इंडिया के लिए ये इतना एनफ नहीं था। एन ऑनेस्ट सेल्फ असेसमेंट ऑफ दिस ट्रेड द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इज नेसेसरी टू शो व्हाट कॉस्ट इंडिया हैज़ पेड फॉर दिस इकोनॉमिक सक्सेस। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि जो इकोनॉमिक शो आपको सक्सेस शो कर रही है उसके लिए इंडिया ने क्या कॉस्ट या क्या कीमत अदा करी है, इस चीज़ को भी आपको देखना पड़ेगा। ये अभी जयशंकर प्रसाद ही अपनी स्पीच में बोल रहे हैं अभी तक, ठीक है। दैट इफ ग्लोबलाइजेशन स्पेशली ट्रेड इज असेस्ड इन द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी द कॉस्ट कुड बी सोन टू हैव सेट ऑफ द गेन कंसिडरेबली। तो अगर आप इसको ब्रॉड परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो उससे क्या लाभ हुआ और आपने क्या कीमत पे की या कि क्या कीमत अदा की, तो ये सब चीज़ें आपके सामने क्लियरली दिख जाएंगी। दैट वन सच कॉस्ट इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। और उन्होंने साथ में आगे ये कहा उस में से एक कॉस्ट ये भी है कि हमने कॉस्ट अदा की कि हमारी जो कंपनियां थी वो डी इंडस्ट्रियलाइज हो गई और हमारे जो उद्योग थे वो बंद हो गए इसी ग्लोबलाइजेशन के कारण। दैट एम्प्लॉयमेंट चैलेंज वाज क्रिएटेड बाय ट्रेड। और इस टाइप का जो एम्प्लॉयमेंट चैलेंज है जो या एम्प्लॉयमेंट की जो चुनौती है इस ट्रेड ने हमारे देश में क्रिएट किया, दैट ट्रेड एग्रीमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट चैलेंज क्यों क्रिएट किया, इसको आपको मालूम होना चाहिए कि जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज अगर देश में लगेंगी उतने ज़्यादा रोजगार पैदा होंगे, क्योंकि आप हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हो, तो ये आपको समझना पड़ेगा या समझते हो गए। तो ये एम्प्लॉयमेंट चैलेंज की बात इसलिए वो बोल रहे हैं कि अगर आपने डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया मतलब आपकी कंपनियाँ बंद हो गई, कंपनियाँ बंद हो गई, सीधी सी बात है जब कंपनियाँ बंद होंगी तो आपकी नौकरी नहीं मिलेगी। तो दिस इज़ ऑल थिंग जो मतलब जो थी वो उन सब बारे में बात कर रहे थे। वॉज क्रिएटेड बाय दैट ट्रेड एग्रीमेंट हैव मेड इंडिया ओवर डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसने इंडिया को क्या कर दिया, ओवर डिपेंडेंट कर दिया इम्पोर्ट के ऊपर। लेट अस फैक्ट चेक द मिनिस्टर अ न्यू पेपर
वायर सौमित्र चटर्जी एंड अरविंद सुब्रमण्यम। अब जो जो राइटर हैं वो क्या कर रही हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा उस पर पॉइंट आउट करने के लिए उन्होंने एक पेपर का क्या लिया, एग्जाम्पल लिया। उस पेपर को लिखा किस किसने था, उस पेपर को लिखा था मिनिस्टर, चेक द मिनिस्टर, मिनिस्टर मतलब फैक्ट चेक करने के लिए जो मिनिस्टर के एक पेपर जो सौमित्र चटर्जी और अरविंद सुब्रमण्यम इन दोनों ने लिखा था, इन वर्ड रिटर्न इट इज वॉरंटेड। तो यहाँ पर उसका जो ये टाइटल था वो क्या था, इंडियाज इन वर्ड रिटर्न इन द वॉरंटेड। ठीक है, विल इट वर्क इज इंस्ट्रक्ट। तो यहाँ पर पूरा का पूरा ये उन्होंने लिंक दे रखी है कि आप यहाँ जाकर इस चीज़ को पढ़ सकते हो। ठीक है, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मतलब जो ग्रोथ आपके एक्सपोर्ट से होती है उस पर अब ये कंसिडर्ड कर रही है। और देखिए अब वो तो डेटा का फ्लॉ है, किस हिसाब से ये शो कर रही हैं और ये सब किस हिसाब से कैसे ये दोषारोपण कर रही हैं, ये सब आप अपनी विवेक और बुद्धि पर छोड़ता हूँ। मैं उस चीज़ को ज़्यादा वो नहीं करता हूँ। अगर आप कंटिन्यूसली एडिटोरियल की सीरीज फॉलो कर रहे हैं देन यू कैन ईजीली डिटरमाइन वॉट इज रॉन्ग एंड विच डेटा इज राइट, विच डेटा इज रॉन्ग। मैं अपना कोई पॉइंट यहाँ पर नहीं देने वाला हूँ, आप ही अपनी बुद्धि विवेक से इस चीज़ का निर्धारण कीजिएगा। तो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, द मिनिस्टर गेट इट राइट व्हेन ही सेड सेज दैट ट्रेड हैज़ डिलीवर्ड हाई इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर कंट्री। तो यहाँ पर मिनिस्टर की इन्होंने बधाई दी और इन्होंने ये कहा कि इन्होंने एक हाई इकोनॉमिक ग्रोथ दी ट्रेड ने और कंट्री के लिए, तो ये बात सही है। इंडियाज रिकॉर्ड फॉर एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ कैन नॉट बी डिसमिस्ड। तो यहाँ पर जो एक्सपोर्ट से जो ग्रोथ हुई उसको भी आप डिसमिस नहीं कर सकते हो। बिटवीन 1995 टू 2018 इंडिया, बिटवीन 1995 एंड 2018 इंडियाज ओवरऑल एक्सपोर्ट ग्रोथ एवरेज 13.4%। तो यहाँ पर 1995 से 2018 के बिटवीन लगभग जो ग्रोथ हुई है वो कितनी हुई है एक्सपोर्ट में, 13.4% की ग्रोथ हुई है। ठीक है, दिस इज द थर्ड बेस्ट परफॉर्मेंस, ये तीसरा बेस्ट परफॉर्मेंस है इन द वर्ल्ड पूरे के पूरे, अगर विश्व की बात करें तो अमंग द टॉप 50 एक्सपोर्टर, जो टॉप 50 एक्सपोर्टर हैं उनके बिटवीन। ठीक है, इट इज़ नियरली ट्वाइस द वर्ल्ड एवरेज ग्रोथ एंड नॉर नॉट फॉर बिहाइंड चाइनाज ग्रोथ ऑफ जस्ट ओवर 15%, जो कि चाइना की ग्रोथ अगर देखी जाए तो 1995 से 2018 के बिटवीन 15% है। ठीक है, और जो ग्लोबल है वर्ल्ड की जो ग्लोबल ग्रोथ है उसकी लगभग डबल है ये, इंडिया की जो ग्रोथ है 13%, मतलब जो एवरेज ग्रोथ है वो लगभग 6 पॉइंट समथिंग होगी, तो उसकी भी डबल है। तो इनका ये कहना है कि इंडिया बहुत ग्रोथ कर रहा है। अब यहाँ पर ये परसेंट का मायने आपको समझना पड़ेगा कि परसेंट किस हिसाब से होती है। ठीक है, परसेंट उस जीडीपी के रिगार्डिंग होती है, तो जो इंडिया का परसेंटेज है वो इंडिया के रिगार्डिंग क्या होगा, क्योंकि इंडिया की जीडीपी 2 लाख करोड़ है और चाइना की जीडीपी 14 लाख करोड़ है, तो 14 लाख करोड़ का 15% अलग होगा और इंडिया का जो 13 मतलब 2 लाख करोड़ का 13% अलग होगा। तो इस मायने में भी आप डेटा को क्लियर करके समझिए समझिए कि वो 13% है वैसा, लेकिन वो पर्टिकुलर जब रेफरेंस में है तो जीडीपी के रिगार्डिंग चीज़ें होती हैं, और जीडीपी इंडिया की कितनी है, 2 लाख करोड़, तो 2 लाख करोड़ का 13% कम होगा और 14 लाख करोड़ का 15% बहुत ज़्यादा होगा। तो इस हिसाब से भी आप समझ सकते हो। और जो अमेरिका की है, अमेरिका की जीडीपी कितनी है, 20 लाख करोड़, तो 20 लाख करोड़ की जीडीपी का वो जो पॉइंट आएगा 15%, तो वो ज़्यादा आएगा, चाइना से भी ज़्यादा आ जाएगा। मतलब परसेंट में आपको ये दिखाई देगा कि वो चाइना के इक्वल है, लेकिन 20 लाख करोड़ का 15% इजीली आप डिटरमाइन कर सकते हो कि वो 14 लाख करोड़ के 15% से इजीली ज़्यादा होगा। तो आप यहाँ पर क्लियर समझ पाए होगे। द चटर्जी सुब्रमण्यम पेपर ऑल्सो शो हाउ मच एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूटेड टू जीडीपी ग्रोथ इन ईच ऑफ द 3 डिकेड सिंस 1990। और चटर्जी और इन सुब्रमण्यम जी के जो पेपर हैं उनने ये भी शो किया है कि कैसे एक्सपोर्ट ने कंट्रीब्यूट किया जीडीपी की ग्रोथ के लिए इन ईच ऑफ द 3 डिकेड, प्रत्येक डिकेड में, चाहे 1990 की बात करें, 2000 की बात करें, और राइट नाउ 2010, 2020 का डिकेड आगे आने आएगा। द मिनिस्टर हैज़ पॉइंट व्हेन ही से दिस परफॉर्मेंस रिप्रेजेंट ओनली लिमिटेड प्रोग्रेस। और जो मिनिस्टर हैं उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि जो
ये परफॉर्मेंस रिप्रेजेंट ओनली लिमिटेड प्रोग्रेस लिमिटेड रिलेटिवली इंडियाज पोटेंशियल, तो इंडिया के जो पोटेंशियल है उस के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए या उसको आधार मान के ये देखा जाए तो ये बहुत कम जो ग्रोथ है वो सो हुई है, एंड दैट दिस गैप विथ पोटेंशियल प्रेजेंट द रियल चैलेंज। और जो 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 गैप है यही एक महत्वपूर्ण चुनौती है किस चीज़ के लिए, गवर्नमेंट के लिए हो या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है आर्थिक मामलों की इंडिया में, उन सब के लिए। इट इज़ ट्रू दैट डिस्पाइट द एविडेंट सक्सेस इंडिया इज़ नॉट अ बिग एक्सपोर्टर, और ये भी इनके अकॉर्डिंग भी एविडेंट मतलब प्रख्यात है, ये हर जगह मतलब प्रख्यात एविडेंट मतलब बोला प्रख्यात है कि जो इंडिया की जो सक्सेस है वो तो उसके साथ साथ उसका जो एक्सपोर्ट हो एक्सपोर्टर बनना वो फुलफिल नहीं हुआ है ऑन ग्लोबल स्केल। इट्स शेयर ऑफ द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट ओनली 1.7%, तो यहाँ का जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट है उस पर सिर्फ 1.7% ही है, मार्जिनली लेस देन वियतनाम्स एट 1.75%, और ये वियतनाम से भी कम है, जबकि वियतनाम कितना छोटा देश है और इंडिया कितना बड़ा देश है, और वियतनाम से भी कम है, वियतनाम की 1.7% है, और ये 1.7 मतलब 1.70 है, और ये मतलब 5.5% ज़्यादा है। स्ट्रॉन्ग रुपीज़ अप्रोच, स्ट्रॉन्ग रुपी मतलब ये मनी की बात कर रहे हैं कि रुपया कितना कमज़ोर या मजबूत होगा, ठीक है। बट हाउ मच ऑफ द ब्लेम फॉर इंडियाज बिलो पोटेंशियल ग्रोथ कैन बी एस्क्राइब टू ट्रेड एग्रीमेंट, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, लेकिन कितने हद तक जो इंडिया के जो बिलो पोटेंशियल ग्रोथ हुई है कि इंडिया का जितना पोटेंशियल था उतनी ग्रोथ नहीं की, उसको एस्क्राइब मतलब कारण बताना या ट्रेड एग्रीमेंट्स पर क्या कर देना, दोषारोपण कर देना, कितने हद तक सही है, तो ये उस चीज़ की आकलन कर रही है। दिस कॉसेशन मतलब कि जो इन रिलेशन स्थापित कर दिया या संबंध स्थापित कर दिया, मिस्टर जयशंकर सजेस्ट इट्स प्रॉब्लमेटिक, तो जो मिस्टर जयशंकर ने सजेस्ट किया है इस प्रॉब्लमेटिक, ये एक प्रॉब्लमेटिक था, ठीक है। इंडियाज एक्सपोर्ट ग्रोथ हैज़ लॉस्ट मोमेंटम इन रिसेंट ईयर, इंडिया की जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है उसने रिसेंट ईयर में ही अपना मोमेंटम खोया है। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग रुपी अप्रोच इज अमंग द चीप कॉज दैट हैव बीन सोन टू हैव स्लो डाउन द एक्सपोर्ट, तो यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का जो कि स्ट्रॉन्ग करना है रुपए को, ये वाली अप्रोच है उसके कारण क्या हुई है, ग्रोथ डाउन हुई है, ना कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कारण। द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट हैज़ एप्रिसिएटेड बाई अबाउट 20% सिंस 2014, और जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो एप्रिसिएट हो चुकी है 20% तक सिंस 2014। दिस इज़ नॉट अ सब्सिडी गिवन बाई अदर कंट्रीज टू देयर एक्सपोर्टर, और दिस इज़ नॉट अ सब्सिडी, और ये कोई सब्सिडी नहीं है जो गिवन बाय द अदर कंट्री, जो गिवन दूसरी कंट्री द्वारा दी जाती है अपने एक्सपोर्टर्स के लिए। It is in fact a subsidy given by Mr. Modi's government to the exporter of other countries. तो ये subsidy given की है मोदी government ने किस चीज़ के लिए, जो दूसरी देश के exporter हैं, मतलब सीधी सी बात है दूसरी देश की कंपनी है यहाँ आके जो manufacturing करेंगी और उनको sell करेंगी उनके लिए। If import, अगर आप आर्थिक financial मामलों में ज़्यादा अच्छी रुचि रखते हो या समझते हो तो आपको ये बात easily क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि क्या होता है जब रुपया सस्ता होता है तो यहाँ से लोग ज़्यादा क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि इंपोर्ट करने में उनको कम रुपए, जैसे रुपया सस्ता हुआ तो कम रुपए में उनको ज़्यादा चीज़ मिल जाएगी, लेकिन रुपया महंगा हुआ तो कम रुपए में उनको कम चीज़ मिलेगी। ये वाले सब कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो यू कैन ईजीली मतलब अंडरस्टैंड कि व्हाट एम आई ट्राइंग टू से व्हाट इज रिटन, ठीक है। इफ इम्पोर्ट सच एज of holiday and higher education overseas have leaped, it is because the exchange rate has made them most affordable. तो यहाँ पर अगर कोई यहाँ पर आ रहा है, जैसे import, जैसे क्या क्या हुआ, जैसे holiday हुआ holidays के अंदर, और higher education overseas जो विदेशी छात्र है वो यहाँ पढ़ने आ रहा है, उनमें उछाल आया है, it is because the exchange rate has made them more affordable. ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है कि जो एक्सचेंज रेट है उनके लिए बहुत अफोर्डेबल बनाया गया इस कारण। स्टडी ऑफ द ट्रेड एग्रीमेंट बाय नीति आयोग शोज दैट इंडियाज एक्सपोर्टर सफर लॉजिस्टिक कंप्लायंस एंड
ट्रांजेक्शन कॉस्ट ट्वाइस एज हाई इन अदर कंट्री। तो यहाँ पर जो नीति आयोग के जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं नीति आयोग ने किए हैं इंडिया के एक्सपोर्टर्स को, वो इंडियन एक्सपोर्टर सफ़र कर रहे हैं किससे, जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, कंप्लायंस है, जो रूल एंड रेगुलेशन है वो लगभग डबल हैं, तो इसके कारण वो सफ़र कर रहे हैं एक्सपोर्टर। दिस लो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिलेटिव टू अदर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैड फर्दर एरोडेड द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स। तो यहाँ पर क्या करता है कि जो इंडिया के एक्सपोर्टर हैं उनके लिए, तो दूसरी कंट्रीज़ के एक्सपोर्टर हैं उनसे पहले ही क्या कर देता है, कॉम्पिटिटिवनेस को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। क्योंकि जब उनके रेट यहीं पे एक्सपोर्ट में हाई लग जाएंगे तो वो जब सामान दूसरे देशों में बेचेंगे तो डेफिनेटली महंगा ही बेचेंगे, क्योंकि उससे फिर नहीं तो उनका मार्जिन नहीं निकलेगा। तो इन सेक्टोरल कॉज द डैमेज टू द रिप्यूटेशन एडवांटेज ऑफ इंडियाज फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट आफ्टर माल फिजिनेंस फ्रॉड वाज एक्सपोज्ड एट सम मैन्युफैक्चरर हैज हर्ट एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर ये जो डैमेज हुआ है इन सेक्टोरल कॉज द डैमेज टू रिप्यूटेशनल एडवांटेज ऑफ इंडियाज फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर कुछ सेक्टर कॉज के कारण आपने क्या किया, डैमेज कर दिया जो रिप्यूटेशनल एडवांटेज थी इंडिया की कि फार्मास्यूटिकल में नंबर वन है इंडिया, या उस चीज़ को ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है या दवाइयाँ ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। आपके जो माल फिजीनेस मतलब उल्टे सीधे आपने नियम बना दिए या दुराचरण कर दिया, ठीक है, या जो जुर्म किया, ठीक है, उस सब चीज़ों ने क्या किया है, आपका एक्सपोर्ट किया, एक्सपोज किया है आपके लिए कि आपने कैसे मैन्युफैक्चरर को हर्ट किया है, और आपने उस इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपने एक्सपोर्ट को हर्ट किया। दोज कैन ऑल्सो नॉट बी ब्लेम्ड ऑन ट्रेड एग्रीमेंट। तो ऐसे व्यक्ति भी ट्रेड एग्रीमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, ये इनका कहना है ऑन मैन्युफैक्चरिंग। और आपको मैं बता दूं कि दोज मतलब डायरेक्ट ये मिनिस्टर की ही बात कर रही हैं, तो आपको कोई मुझे बार बार समझाने की वो नहीं है मैंने कि जो भी ये दोज से इनका मतलब डायरेक्ट जयशंकर को ब्लेम कर रही हैं। ऑन मैन्युफैक्चरिंग द मिनिस्टर डज नॉट गेट इट क्वाइट राइट ऑन मैन्युफैक्चरिंग, और मिनिस्टर ने सही नहीं देखा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। बिटवीन 1995-2018 इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट ग्रू ऑन एवरेज 12%, और अगर 1995 से 2018 की भी आप बात करें तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है लगभग 12% के एवरेज से बड़ा है, नियरली ट्वाइस द वर्ल्ड एवरेज, और लगभग डबल है वर्ल्ड एवरेज का। दिस वॉज द थर्ड बेस्ट परफॉर्मेंस इन द वर्ल्ड सरपास्ड ओनली बाय चाइना एंड वियतनाम, और ये तीसरा अच्छा एवरेज कहलाएगा, इसको सिर्फ और सिर्फ सरपास्ड किसने किया है, मतलब इंडिया से आगे कौन है, सिर्फ चाइना और वियतनाम। इवन ड्यूरिंग द ईयर ऑफ द स्लोइंग ग्लोबल ट्रेड पोस्ट 2012 व्हेन वर्ल्ड एक्सपोर्ट वर वर्चुअली फ्लैट। तो यहाँ पर इवन ड्यूरिंग द ईयर मतलब ऐसे समय जब जो ग्लोबल ट्रेड है वो स्लो हो रही थी पोस्ट 2012 के बाद, व्हेन वर्ल्ड एक्सपोर्ट वर वर्चुअली फ्लैट, जो वर्ल्ड का एक्सपोर्ट था वो फ्लैट हो गया था, इंडिया कंटिन्यू टू गेन ग्लोबल मार्केट शेयर, इट्स एक्सपोर्ट ग्रोइंग बाय अबाउट 3%। तो जब पूरा का पूरा मार्केट जो वर्ल्ड का मार्केट वो फ्लैट हो गया था, इंडिया के जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ रहे थे 3% के अराउंड। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट ग्रोथ रैंक विद इन द टॉप 10 अमंग 50 मेजर एक्सपोर्टर्स। तो उस समय भी इंडिया की जो रैंक थी वो टॉप 10 में थी 50 एक्सपोर्टर के अंदर। कैन दिस बी कैरेक्टराइज्ड एज द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉज्ड बाय ट्रेड, क्या हम इसको भी इस हिसाब से देख सकते हैं कि ये डी इंडस्ट्रियलाइज का कारण था कि ये सब चीज़ें हुई, क्योंकि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता तो आप एक्सपोर्ट इतना कैसे कर पा रहे थे। इफ़ इंडियाज मैनुफैक्चरिंग सेक्टर फाइंड इट सेल्फ इन क्राइसिस, अगर इंडिया का मैनुफैक्चरिंग सेक्टर है खुद को इस चीज़ में पाता है कि क्राइसिस में है, सिंस 2012 इट इज़ लार्ज पार्ट बिकॉज ऑफ द पॉलिसी एरर इन्फ्लिक्टेड फर्स्ट बाय द मनमोहन सिंह लेड गवर्नमेंट एंड देन द वन हेडेड बाय द मिस्टर मोदी गवर्नमेंट। तो यहाँ इन्होंने 2012 से लिया क्योंकि मनमोहन को भी एक ब्लेम करवा दें, मनमोहन के लिए ब्लेम इन्होंने सिर्फ 2 साल के लिए करवाया, और बाकी पूरा का पूरा ब्लेम फिर किस पर कहा कि मिस्टर मोदी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी एरर है, दैट्स वाई मैनुफैक्चरिंग सेक्टर क्या हुआ है, गलत हुआ है, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर क्या है बुरा असर पड़ रहा है। अब यहाँ पर कई ऐसे डेटा जो हैं यहाँ पर मैं, और जैसे मैंने पहले आपको क्लियर किया था यहाँ पर भी आप चीज़ें देख पाओगे, लेकिन चलिए ये आपकी बुद्धि विवेक पर छोड़ता हूँ, आगे पढ़ते हैं।
Between fiscal year 2006 to 2012, manufacturing sector GDP grew by an average 9.5%. अगर फिजल ईयर 2006 से 2012 की बात करें तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो ऑन एन एवरेज 9.5% बढ़ा है पर ईयर। इंडिया ट्रेड ओपननेस वाज इट्स पीक ड्यूरिंग दिस ईयर, और इंडिया की जो ट्रेड ओपननेस है वो 2006 के समय में पीक पर थी। हाई ग्रोथ दैट ऑल्सो ओवरलैप विद द पीरियड व्हेन हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडियन इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री एग्जिट पावर्टी, तो यहाँ पर उस समय सबसे ज़्यादा पावर्टी के मतलब बाहर आए, पावर्टी या गरीबी से बाहर आए बहुत से लोग। देन ओवर द नेक्स्ट सिक्स ईयर, और उसके बाद अगले छः साल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी ग्रोथ डिक्लाइन टू 7.4%, और जो जीडीपी ग्रोथ है 7.4% से डिक्लाइन हुई, कोइंसाइडिंग विद द फेज ऑफ करप्शन स्कैंडल अ सेवियर बैंकिंग क्राइसिस डीमोनेटाइजेशन एंड वेडली डिजाइंड गुड एंड सर्विस टैक्स नन ऑफ विच वर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ट्रेड एग्रीमेंट। तो यहाँ पर फिर उन्होंने ये कहा कि अगले 6 सालों में जो 7 point का डिक्लाइन हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से देखो उन्होंने 2006 से 2012 की बात की तो बात कर ली, फिर उन्होंने 2012 से 2018 के बिटवीन उन्होंने ये कहा कि हर चीज़ डिक्लाइन हुई क्योंकि बहुत से करप्शन के उजागर हुए, ये पॉइंट आउट कर रही हैं नीरव मोदी एंड सच काइंड ऑफ उनके बारे में। और फिर गुड एंड सर्विस सेक्ट आया और ये सब बैंकिंग क्राइसिस डीमोनेटाइजेशन, तो इन सब को इन्होंने जिम्मेदार ठहराया है एक्सपोर्ट ना होने का। MEA इन लीड रोल, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का लीड रोल क्या है। द पेपर वाज बाय चटर्जी सुब्रमण्यम, सो हाउ ओपन नेस्ट टू ट्रेड इट इज फैक्ट वन ऑफ द फ्यू चैनल अवेलेबल टू इंडिया फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द पोस्ट COVID-19। तो यहाँ पर जो ये कहा इन्होंने कि जो ओपननेस है इंडिया की या जो ट्रेड एग्रीमेंट की बात, ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट को वो है, वो केवल केवल और केवल कुछ उन माध्यमों में से एक है जिससे आप क्या कर सकते हो COVID-19 के बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवा सकते हो, ठीक है, लेकिन वो तो आपने साइन नहीं किया, ठीक है। वर्ल्ड गिवन दैट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ हाउस होल्ड गवर्नमेंट एंड बैंक आर टू वीक टू सपोर्ट द इकोनॉमी, और गवर्नमेंट और जो बैंक हैं वो बहुत वीक हैं कि वो इकोनॉमी को सपोर्ट कर पाए, तो इनका मतलब ये है कि जो ओपननेस है या जो ग्लोबलाइजेशन है उसको इंडिया को क्या कर लेना चाहिए था, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। द कैलकुलेट दैट आफ्टर द 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चाइना वेकेटेड अबाउट 140 billion इन एक्सपोर्ट इन अनस्किल्ड लेबर इंटेंसिव सेक्टर इंक्लूडिंग द एपरल क्लोदिंग लेदर एंड फुटवेयर। तो यहाँ पर चाइना वैकेटेड, तो 2008 की जो ग्लोबल क्राइसिस है चाइना ने क्या कर दी, खाली कर दिया था लगभग 140 billion का एक्सपोर्ट जो कि इन अनस्किल्ड लेबर के इंटेंसिव सेक्टर था, जैसे कि एपरल हो गया, क्लोदिंग हो गया, लेदर एंड फुटवेयर, इन सभी को खाली कर दिया था। बट इंडिया डिड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, लेकिन इंडिया ने इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा पाया। इंडिया इज एक्सपोर्टिंग अबाउट $600 billion ऑफ लो स्केल एक्सपोर्ट एनुअली। तो 140 उन्होंने खाली किया था चाइना वालों ने, लेकिन अनस्किल्ड जो वो चीज़ें हैं वो इंडिया कितना, सिर्फ 60 billion ही क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है एनुअली, लेस देन इट कैन इफ अंडरलाइंग प्रॉब्लम आर एड्रेस। तो यहाँ पर ये है कि लेस देन इट कैन, ये हो सकता था अगर जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम थी उनको क्या किया जाता, एड्रेस किया जाता। द वीकेस्ट केस द मिनिस्टर मेक इज ऑन द एम्प्लॉयमेंट चैलेंज, और सबसे वीकेस्ट जो केस था जो मिनिस्टर ने मेड किया एम्प्लॉयमेंट चैलेंज को लेकर, कि प्रोबेबली बिकॉज द इकोनॉमिक आर्गूमेंट आर प्लेइंग ऑन द एवर सिंकिंग रोल इन फॉर्मुलेशन ऑफ द ट्रेड नेगोशिएशन पोजिशन एंड ग्रोथ स्ट्रेटजीज विथ कर्टेल्ड रोल फॉर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टेकिंग ओवर मच ऑफ द इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। तो शायद हो सकता है कि बिकॉज द इकोनॉमिक आर्गूमेंट्स, जो तार्किक उन्होंने वो तथ्य दिए, आर प्लेइंग एन एवर सिंकिंग रोल, एवर मतलब पहले से बहुत सिंकिंग रोल प्ले कर रहे हैं, किस चीज़ के, फॉर्मुलेशन ऑफ द ट्रेड नेगोशिएशन पोजिशन, इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए या आरसीपी को साइन
ट्रेड नेगोशिएशन मतलब एक आरसीपी बहुत बड़ा मुद्दा था, उसी के रिगार्डिंग है, तो हम उसी की बात करेंगे। तो उसके जो नेगोशिएशन की पोजीशन के लिए हो सकता है इस चीज़ ने बहुत अहम रोल निभाया हो। ग्रोथ स्ट्रेटजी विथ कर्टेल्ड रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक, कर्टेल्ड रोल मतलब एक लंगड़ा रोल निभाया हमारी इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्ट्री ने, ठीक है। एंड कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टेकिंग ओवर मच ऑफ इट्स इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, और जो हमारी जो वो हैं उन्होंने क्या किया इस चीज़ को ज़्यादा हाईली उस पर लिया, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को प्रायोरिटी पर लिया। ट्रेड ओपननेस वर्सेस इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन इज द वन पॉलिसी डिबेट। तो ट्रेड ओपननेस मतलब ग्लोबलाइजेशन वर्सेस इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, और इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन मतलब जो हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है ओपननेस के कारण उसका सब्सटीट्यूट का क्या है, इज़ द वन पॉलिसी डिबेट। ये एक पॉलिसी डिबेट है, मतलब इन्होंने इतने बड़े मुद्दे को सिर्फ पॉलिसी डिबेट करके नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि उसी बेस के कारण जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने क्या आरसीईपी को ज्वाइन नहीं किया था। वे आर पॉलिसी मेकर नीड टू लुक नो फर्दर देन इंडिया जोन, जहाँ पर पॉलिसी मेकर को आवश्यकता है। अब ये पूरा का पूरा ब्लेम पॉलिसी मेकर पर ध्यान डाल दिया और अपने को पूरी तरह से इन्होंने क्या कर लिया, बचा लिया एन एज वेल एज वो सुब्रमण्यम चटर्जी और वॉट एवर काइंड ऑफ जिन्होंने पेपर रिटर्न किया। वेन पॉलिसी मेकर नीड टू लुक नो फर्दर देन इंडियाज ओन प्री 1991 एक्सपीरियंस ऑफ इनफेरियर लो क्वालिटी प्रोडक्ट ऑन वन हैंड एंड लो ग्रोथ रेट ऑन अदर हैंड। तो यहाँ पर जो पॉलिसी मेकर को ध्यान देना चाहिए 1991 के पहले, ये बात सही है कि ये कंडीशन थी इंडिया की, एक तो कि चीप प्रोडक्ट बना रही थी कंपनियाँ जो हमारे यहाँ की, और उसका जो ग्रोथ है वो भी कम ही हो रहा था, तो ये बात सत्य है। ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ हाउ रिस्पॉन्सिबल ग्लोबलाइजेशन कैन सॉल्व प्रॉब्लम आर द मल्टीपल COVID-19 वैक्सीन बींग रेडीड अक्रॉस द वर्ल्ड, और ग्लोबलाइजेशन कैसे हेल्प कर सकता है, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि कैसे कोविड नाइन्टीन की जो वैक्सीन है वो अलग अलग देशों में अलग अलग हिसाब से बन रही है, लेकिन बाद में एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है कि कोई भी देश बनाए लेकिन उसकी जो सप्लाई चेन की व्यवस्था है वो एक प्रॉपर हो जिससे हर एक देश में तुरंत पहुँच जाए। दे आर इनफैक्ट इंडियाज ओनली होप ऑफ सेफ गार्डिंग द पॉपुलेशन। दे आर इनफैक्ट दे आर मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और ग्लोबलाइजेशन जो है वही एक इंडिया की होप है जो सेफ गार्ड करेगी इंडिया की पॉपुलेशन को। टू डिनाउंस ट्रेड ओपननेस एंड ग्लोबलाइजेशन एट दिस पॉइंट इज ऑल्सो पुअर टाइमिंग। डिनाउंस मतलब निंदा करना, कि इस समय अगर आप निंदा कर रहे हो किसी भी चीज़ की, ग्लोबलाइजेशन की या ओपननेस की, तो ये एक पुअर टाइमिंग है, आप कभी बाद में कर लो इस चीज़ का। मिस्टर जयशंकर स्पीच इज अ ग्रेट कैंडिडेट फॉर फैक्ट चेक द शॉर्ट रन ऑन US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनफाउंडेड स्टेटमेंट बाई US मीडिया। तो यहाँ पर मिस्टर जयशंकर की जो स्पीच है इज़ अ ग्रेट कैंडिडेट फॉर फैक्ट चेक, एक बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं फैक्ट चेक के लिए, जो मिस्टर जयशंकर ने कहा उस चीज़ के लिए फैक्ट चेक करने के लिए, जैसा कि हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ आरोप लगाए थे और उसको बाद में जब मीडिया ने खंगाला तो वो एक गैर तथ्यात्मक साबित हुए और उनका किसी भी प्रकार से प्रमाण नहीं था। बट टू एक्सप्लेन इट अवे एज अ पुअरली रिसर्च एंड बैडली आर्गू टॉक वुड बी टू मिस द पॉइंट ऑफ द इट कम्प्लीटली। तो यहाँ पर अगर कुछ भी हो लेकिन उनकी जो इनकम्प्लीट रिसर्च और उन्होंने जो गलत तर्क दिए वो मिस द पॉइंट ऑफ इट्स कम्प्लीटली, उसने इस पॉइंट को कम्प्लीटली मिस कर दिया, ठीक है। इट्स सर्व टू लैंड क्रेडिबिलिटी टू एंटी ट्रेड नरेटिव और इस की लैंड क्रेडिबिलिटी टू एंटी ट्रेड नरेटिव इन्वेंटेड बाय द सर्टेन पॉलिटिकल आउटफिट ऑन द लेफ्ट एंड राइट। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, पायजामा पहना दिया लेफ्ट और राइट के उसमें, और जो एंटी ट्रेड नरेटिव है उसको क्या कर दिया, इन्वेंट करवा दिया सर्टेन निश्चित पॉलिटिकल आउटफिट के अंदर कि ये लेफ्ट विंग है ये राइट विंग है इस हिसाब से, दैट हैव कम टू रिप्रेजेंट इंडियाज वर्स्ट और ये वर्स इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, और ये शो करता है कि इंडिया की जो वर्स इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी है, तो इसीलिए आपने कॉम्पिटिशन में आगे नहीं आए और आपने RCEP को साइन नहीं किया, इनका ये मतलब है। दिस इज नो ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ मिस्टर मोदीज कैबिनेट स्पीकिंग। यहाँ पर
कोई ऐसे ऑर्डिनरी मेंबर नहीं थे कि जो मिस्टर मेदी के कैबिनेट की स्पीकिंग कर रहे थे। बाय ब्लेमिंग ट्रेड एग्रीमेंट फॉर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मिस्टर जयशंकर सीक्स टू डिफ्लेक्ट ब्लेम फॉर मोदीज गवर्नमेंट पॉलिसीज एरर। तो यहाँ पर ये इनडायरेक्टली यही कर रहे थे कि जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है वो मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसी के कारण, पॉलिसी एरर हुआ है या उसके कारण हुआ है। ठीक है, तो ये इन्होंने उल्टा तर्क दिया है कि ये उस समय मोदी गवर्नमेंट का पक्ष नहीं रख रहे थे बल्कि उसकी बुराई कर रहे थे, इनके अकॉर्डिंग, राइटर्स के अकॉर्डिंग। इंडिया स्विच टू स्ट्रॉन्ग रुपी पॉलिसी इन लाइन विद द प्राइम मिनिस्टर्स प्री 2014 इलेक्शन कैंपेन। इंडिया का जो स्विच हुआ है स्ट्रॉन्ग रुपी पॉलिसी के अंतर्गत इन लाइन विद प्राइम मिनिस्टर प्री 2014 इलेक्शन कैंपेन, जो 2024-14 के पहले जो कैंपेन था उसके में जो वादे किए गए थे, उन सब चीज़ों को अगर इनलाइन किया जाए या समान तरीके से देखा जाए एक साथ, लेड टू द सर्ज इन इम्पोर्ट ऑफ द गुड एंड सर्विस प्रेफर्ड बाय नॉन रिच इंडियन। तो इसने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, इम्पोर्ट को बढ़ाएगा, और उस इम्पोर्ट को बढ़ाएगा जो ज़्यादा महंगे चीज़ें नहीं खरीद पाते, ऐसे भारतीयों में उस चीज़ की क्या होगी, मांग बढ़ेगी। एंड द मेजरेबल लॉस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इन लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा लॉस ये होगा कि जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो भी क्या होगी, कम होगी। एट द सेम टाइम द डिसएडवांटेज इंडियन एक्सपोर्टर हैव लॉन्ग स्ट्रगल्ड अगेंस्ट द सब्सटेंशली हायर लॉजिस्टिक एंड अदर कॉस्ट रिमेन एज वर्डनसम। और यहाँ पर जो एक्सपोर्टर्स के लिए हैं वो सब्सटेंशली मतलब संवेदनशील रूप से बहुत हायर लॉजिस्टिक कॉस्ट हैं, और जो अदर कॉस्ट हैं वो अभी भी क्या है, वर्डन बने हुए हैं इंडियन के एक्सपोर्ट के लिए। द स्पीच इज अ प्योरली पॉलिटिकल वन। और जो स्पीच थी उन्होंने ये कहा कि वो पूरी की पूरी राजनीतिक उससे प्रेरित थी। और ये आप समझ सक ये आप पढ़ लो ये कहाँ के कौन है, क्यों है और कौन सी जिन्होंने लिखा है। ठीक है, पूजा मेहरा। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर